नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ महक शर्मा। नजर डालते हैं करनाल की खबर पर, जहां हरियाणा तालमेल कमेटी एवं सामाजिक चिकित्सक एसोसिएशन की ओर से आज सीएम सिटी में प्रदेश स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे प्रदेश से सामाजिक चिकित्सक एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। एसोसिएशन के प्रदेश प्रेसिडेंट सुभाष सैनी ने बताया कि 2017 में आरएमपी डॉक्टर को लेकर मुख्यमंत्री द्वारा बातचीत की गई थी कि उनको मेडिकल के क्षेत्र में सेवा करने के लिए स्वीकृत किया जाएगा, परंतु अब तक मुख्यमंत्री द्वारा कोई भी मांग पूरी नहीं की गई है, जिसके विरोध में पूरे प्रदेश में आरएमपी डॉक्टर यहां पर पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा और याद दिलाया जाएगा कि अगर उनकी मांगे जल्द से जल्द पूरी नहीं की गई तो आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार एवं मुख्यमंत्री का विरोध किया जाएगा। इस मौके पर आरएमपी डॉक्टर द्वारा समाज में फैली बुराइयों जैसे पॉलिथीन हटाना, पर्यावरण को सुरक्षित रखना, पौधारोपण करना आदि के साथ साथ लोगों से जुड़े हुए मुद्दों को समाज के हित में उठाने की बात भी की गई। सब्जी मंडी में आयोजित इस कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण के लिए सामाजिक चिकित्सक एसोसिएशन की ओर से पूरे प्रदेश में आए डॉक्टरों को शपथ दिलाई गई कि वह पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका निभाएंगे और समाज में फैली बुराइयों को भी जड़ मूल से समाप्त करने के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। वहीं दूसरी ओर आरएमपी डॉक्टर द्वारा सरकार से मांग की गई कि उनको मुख्य धारा में जोड़ते हुए चिकित्सा के क्षेत्र में सेवा करने का अवसर प्रदान करें। देखिए सब्जी मंडी में आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम की एक रिपोर्ट। और दूसरा, मैं चाहूंगा आप मेरे साथ इस पुण्य घड़ी में पूरे हरियाणा और दूसरे प्रांतों से आए हुए सभी के सभी आरएमपी डॉक्टर मेरे साथ शपथ ले। मैं चाहूंगा एक बार आप सब खड़े हम शपथ मेरे साथ को लेगा, हम शपथ ले रहे हैं कि हम प्रकृति की रक्षा करेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे, उसे पालेंगे पोसेंगे। हम शपथ लेते हैं कि हम पॉलिथीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे और मिशन ग्रीन का कुछ हिस्सा बनेंगे। मैं पुनः आप डॉक्टर साहब का और सभी लोगों का अपने के आरएमपी एक बात को लेके इकट्ठे हुए हैं कि 2 नवंबर 2017 में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हमें आश्वासन दिया था कि आपको राइट ऑफ प्रैक्टिस दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया वादा आज तक पूरा नहीं किया गया और हम ये मांग को लेकर के सरकार को अवगत कराने के लिए आए हैं कि आपने जो वादा किया था उसको अति शीघ्र पूरा किया जाए, वरना प्रदेश का आरएमपी प्रदेश की जनता को साथ में लेकर के आंदोलन करने पे मजबूर होगा। तो क्या मांग आपकी मुख्य? हमारी यही मांग है कि हरियाणा में बिहार राज्य की तरज पर गरीब जनता की सेवा करने वाले चिकित्सकों को प्राथमिक उपचार करने की अनुमति के लिए इनलिस्टमेंट किया जाए, सूचीकृत किया जाए। आज क्या कार्यक्रम आपका? आज हम प्रदेश के मुख्यमंत्री को पूरे प्रदेश के आरएमपी याद दिलाने के लिए आए हैं कि आपने जो वादा किया था उसको पूरा करो, वरना प्रदेश का आरएमपी आंदोलन करेगा। ज्ञापन देंगे? हाँ, हम मुख्यमंत्री के नाम आज ज्ञापन देने के लिए। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती विधानसभा चुनाव में क्या रोल रहेगा आपका? अगर सरकार तो मांगे करेंगे और विरोध जम के करेंगे। हाँ जी, मांग पूरी नहीं करी तो हम अपनी राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग बुला करके आगामी रणनीति पर विचार विमर्श करेंगे और सरकार को एहसास कराएंगे हमारी एकता। क्या नाम अपना? डॉक्टर सुभाष सैनी, प्रदेश अध्यक्ष सामाजिक चिकित्सक महासंघ हरियाणा। पूरे प्रदेश से आए हुए हैं? हाँ जी, पूरे प्रदेश। ज्ञापन देने के लिए कहाँ जाएंगे? ज्ञापन देने के लिए डीसी साहब यहीं आ रहे हैं, अगर नहीं आए 15 से 20 मिनट में तो हम मुख्यमंत्री के आवास पे जाएंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।